हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। और आज की शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर सब मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, ठीक है फ्रेंड्स, और रोटी बनाऊंगी। तो ये लंच भी हो जाएगा हस्बैंड का और हम लोगों का सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा। तो और चाय भी बन गई है मेरी, और बस आटा लगा के रख दिया है और रोटियाँ बनानी है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह बस यही रहता है हमारा कि चाय और सब्जी रोटी पराठा बनता है बच्चों के लिए। और मैं तो रोटी खाती हूँ अगर मुझे खाना हुआ तो सुबह, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, और सभी अभी सोए हुए हैं, अभी कोई भी नहीं उठा है। और मेरे ननद भी आई है, मतलब ननद तो नहीं आई अभी, हस्बैंड है यहाँ पे सोए हैं और बेटी है। तो ननद के बच्चे आ चुके हैं, तो ये देखिए उनके ननद का बेटा सो रहा है और उस साइड दोनों बेटियाँ सो रही हैं, मतलब ननद की एक बेटी मेरी बेटी, तो सभी सो रहे हैं। और बेटा तो मेरा जेठानी के घर पे गया, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो अभी सभी सोए हैं और बेटी को उठा रही हूँ कि उठ जा, लेट हो रहे हैं। तो ये उठेगी नहीं, इसने बोला था कि मैं घर का सारा काम करूँगी जब सभी आ जाएंगे तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सोती रही, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद बेटी फिर उठकर रोटियां बना रही है, तो देख सकते हो पराठा बनाएगी वो। और जो है मेरा पूरा पाठ हो चुका है, बस मेरी बेटी पराठे बना देगी। मैंने सब कुछ बना ही दिया था, सिर्फ रोटियां हैं उसको बनाने के लिए, और उसके बाद फिर घर का काम कर लूँगी फटाफट से। तो देख सकते हो सब तो उठा के मैंने नाश्ता पानी सबका हो चुका है, और बस मैं अब घर के सारे क्लीनिंग का काम कर लूँगी यहाँ पर, तो फिर मुझे मिल जाएगी फुर्सत दिन के कामों से। तो वैसे दिन के कामों से तो फुर्सत नहीं मिलेगी क्योंकि अभी लंच भी बनाना है सबके लिए, सुबह का नाश्ता ही मैंने बनाया, लंच नहीं बनाया। तो लंच दोपहर के 12-1 बजे तक बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं किसी के लिए जो है उसमें जा भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी इस टाइम पर गेस्ट आए हुए हैं, तो गेस्ट अटेंड करना है मुझे और अपना काम भी देखना, क्योंकि आप लोग बताइए मेरा सिलाई का भी काम है तो वो भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से मैं घर का काम निपटा देती हूँ, पूरा बेड वगैरह ठीक कर दूँगी और झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। और बेटी, ये है मेरी ननद की बेटी, तो वो बैठी हुई है, और बेटी मेरी भी यहाँ पे है, तो देख सकते हो वो भी बैठी है। वो मेरा पिजामा पहनी हुई है, जब से मेरा पिजामा आया है तो मेरी बेटी ही पहनती है, मुझे तो पहनने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये पिजामा उसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने ही रख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं देख सकते हो आप लोग गद्दा हटा के, मतलब गद्दे को थोड़ा सा आगे खसका के, उसके बाद मैं बेड शीट लगाती हूँ। इससे ना बेड की शीट जो है ना, मतलब बेड की चद्दर ना बहुत ही अच्छे से लग जाती है और खिसकती भी नहीं है इधर उधर, तो इसलिए मैं ऐसे ही लगाती हूँ ताकि खिसके ना इधर उधर। और ये कॉटन का है, और मेरा हो गया है डांस भी, क्योंकि गाने चल रहे हैं तो गाने में मेरा डांस चलता रहता है। टीवी पर लगा लेती हूँ मैं गाना, और उसके बाद ही फिर मैं जो है यहाँ पर काम करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, घर का सारा काम हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक सारा काम फिनिश हो गया है। और यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं खाना के कपड़े धुले हुए, तो इस टेबल पे कुछ भी नहीं होता, ये जो अंदर टेबल किचन में लगाया था वही टेबल है, जिससे मैंने खाना के कपड़े धो के डाल दिए, सूख जाएंगे। और घर का पूरा काम हो चुका है और लाइट जा चुकी है, देख सकते हो ये पड़ी हुई है। फालतू लोग हमारे घर में, कुछ फालतू लोग आ गए हैं, तो वही लोग हैं, तो ये हमारे भांजा भांजी हैं, तो आए हुए हैं हमें खाने के लिए, हमारे घर का राशन ख़त्म करने के लिए, है ना, यही करने आए हो ना। इनके घर का राशन पानी ख़त्म हो गया था, तो ये लोग हमारे घर पे आ गए हैं। किसके घर आए हो? बोलेगी नहीं, इसके मुंह में अभी रसगुल्ले भरे पड़े हैं, इसलिए बोलेगी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इनको तो झेलना ही है हमें 2-4 दिन, फिर इसको इनका इनके घर भगा देंगे वापस से, जहाँ से ये लोग आए हैं अपने घर वापस ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक झेलना पड़ेगा इनको। और ननद अभी आई नहीं है टांडो करने के लिए, तो वो भी आ जाएंगी, देखते हैं कितनी देर में आती हैं। और ये कल के आए हुए हैं, मतलब जिस दिन वट सावित्री का व्रत था उसी दिन आए थे शाम को, और तब से अभी तक मुझे परेशान करके रखे हुए हैं। और ये मेरी बेटी नहाती नहीं है, 4 दिन हो गए नहाया नहीं है बेचारी ने। हाँ, मेरे को मत दिखाओ, मैं पहले बता रही हूँ। तो ये अभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी क्योंकि इसकी शक्ल पर कोयला लगा हुआ है अभी,
फिलहाल, क्योंकि अभी बर्तन धोकर आई है बिना मेकअप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, अपना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे और कहीं जाइएगा नहीं, फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी फुल वॉच नहीं किएगा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ही उड़े, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। मत करो, जाओ कट कट, सपोर्ट जाओ यहाँ से सब लोग, और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाऊँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कंटिन्यू आप लोगों को ब्लॉग देती रहूँ, रोज़ आप लोगों तक पहुँचाती रहूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सभी फुल वॉच कीजिए और अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए, बस यही, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाद में मिलते, ठंडा पानी, चलिए फ्रेंड्स पानी पीती हूँ, गला सूख गया आप लोगों से बातें करते करते, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला लाइक है और ये वाला लाइक है, मेरी मम्मी कहती है ये वाला लाइक है क्या, क्योंकि कई बार डिसलाइक भी मेरी मम्मी कर देती है, तो प्लीज़ ऐसा मत करें आप लोग भी, आप लोग लाइक ऐसे वाला लाइक कीजिएगा, ऐसे वाला नहीं। ठीक है, ओके बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये शाम का टाइम मतलब 8 बज चुके हैं, और रात को खाने में बनानी दाल, ये मिक्स दाल और इसमें सब्जी और ये चावल, और ये गैस कुछ अलग तरह से दिख रहा है, क्योंकि मेरा भी गैस ख़राब हो गया है निधि की गैस की तरह, तो ये बड़ा वाला गैस है ना, ये सबसे बड़ा गैस है, तो ये थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, ये पता नहीं कब गैस की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो निधि, अगर तुम्हारे यहाँ आएगा ना गैस ठीक करने वाला, तो मेरे यहाँ भी भेज देना, मुझे भी ज़रूरत है। और ये सब्ज़ी बन रही है कुंदरू की, बस जो मिर्च का तड़का ही लगेगा इसमें भी, तो चलिए बनाती हूँ फटाफट से खाना, और क्या कहते हैं फटाफट बनाऊँ, और गर्मी बहुत हो रही है किचन में मुझे, तो जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना बना लेती हूँ, और मेरी ननद भी आ चुकी है घर में, सुबह ही आ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को ब्लॉग में दिखाने की, क्योंकि मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तक ले बाय बाय।